बीएवी मीडिया में आप लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बॉलीवुड न्यूज से रिलेटेड। आप देख सकते हैं अजय देवगन। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अजय देवगन की टॉप 10 मूवीज कलेक्शन सबसे ज्यादा रहा है और जो ब्लॉकबस्टर रही। तो ये वीडियो में आपको मैं टॉप 10 अजय देवगन मूवी दिखाने वाला हूँ जिसका और बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन कितना रहा है। तो जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी और इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल प्लस प्रमोशनल वीडियो पाने के लिए। चलिए चल के वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। गोलमाल अगेन अजय देवगन के करियर की सातवीं ऐसी फिल्म है जो 100 करोड़ क्लब में शामिल हुई है। संभव है कि 200 करोड़ क्लब में भी इस फिल्म को एंट्री मिल जाए। आइए बात करते हैं अजय देवगन की टॉप 10 बॉक्स ऑफिस क्रॉसर्स की, यानी भारत में कलेक्शन करने वाली उनकी टॉप 10 फिल्मों की। नंबर 10 दृश्यम, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 76.16 करोड़ रुपए। अजय देवगन के करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक। टीवी पर यह फिल्म खूब देखी गई लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफलता औसत से भी कम रही। 100 करोड़ का आंकड़ा भी यह छू नहीं पाई। बजरंगी भाईजान और बाहुबली के ठीक बाद यह फिल्म रिलीज हुई और इन दो ब्लॉकबस्टर्स फिल्मों का सामना ठीक से नहीं कर पाई। नंबर 9 बादशाह, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 78.02 करोड़ रुपए। अजय देवगन की यह फिल्म फ्लॉप रही थी। उम्मीद 100 करोड़ के कलेक्शन की थी लेकिन फिल्म खास पसंद नहीं की गई और घाटे का सौदा साबित हुई। नंबर 8 राजनीति, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 93 करोड़ रुपए। 2010 में रिलीज हुई इस फिल्म ने तब 93 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था जो आज के दौर में 125 करोड़ या इससे भी ज्यादा का होता है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर सफलता मिली थी। नंबर 7 सिंघम, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100 करोड़ रुपए। सिंघम बनकर अजय देवगन ने जोरदार दहाड़ लगाई और उनकी यह अदा दर्शकों को खूब पसंद आई। इस फिल्म को टीवी पर भी खूब देखा गया। यह फिल्म सुपरहिट रही थी। नंबर 6 शिवाय, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100.35 करोड़ रुपए। अजय देवगन के करियर की महत्वाकांक्षी फिल्मों में से एक। इसका निर्देशन भी उन्होंने खुद किया था। बड़ा बजट फिल्म को ले डूबा और फिल्म को असफलता का मुंह देखना पड़ा। नंबर 5 बोल बच्चन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 102 करोड़ रुपीस। रोहित शेट्टी और अजय की जोड़ी की एक और सफल फिल्म। फिल्म ने धीमे धीमे चलते हुए 100 करोड़ का आंकड़ा छुआ। अजय के करियर की एक और हिट फिल्म सन ऑफ सरदार, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 105.03 करोड़ रुपीस। अजय की इस फिल्म के सामने शाहरुख खान की जब तक है जान रिलीज हुई थी। दोनों ही फिल्मों का बिजनेस प्रभावित हुआ लेकिन अजय की फिल्म ने शानदार तरीके से बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला किया। नंबर 3 गोलमाल 3, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 107 करोड़ रुपीस। गोलमाल 3 ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया और सुपरहिट रही। गोलमाल सीरीज में कभी भी अजय को असफलता का मुंह नहीं देखना पड़ा। नंबर 2 सिंघम रिटर्न्स, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 141 करोड़ रुपए। सिंघम से भी जोरदार सफलता सिंघम रिटर्न्स को मिली। हालांकि इसमें सिंघम जैसा दम नहीं था लेकिन सिंघम ब्रांड का पूरा फायदा फिल्म को मिला और यह सुपरहिट रही। नंबर 1 गोलमाल अगेन, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 11 दिनों में 171.86 करोड़ रुपए। सिंघम रिटर्न्स से बड़ी हिट देने के लिए अजय को 3 वर्ष इंतजार करना पड़ा। गोलमाल अगेन उनके करियर की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली बॉक्स ऑफिस ग्रॉसर बनी। इस फिल्म ने सिंघम रिटर्न्स का लाइफ टाइम कलेक्शन बहुत जल्दी पार कर लिया और सुपर हिट का खिताब इसे मिल गया है।